नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कभी न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। पहले अटल बिहारी वाजपेयी, फिर प्रकाश जायसवाल और फिर जाने कितने नेता, और अब योगी आदित्यनाथ जो कानपुर आते हैं और ये कहते हैं कि लाल इमली को हम चालू करवाएंगे, फिर से सुचारू रूप से वो चालू होगी। एक आश्वासन, एक वादा, फिर लाल इमली को मिल जाता है। लगभग मृत्यु की सैया पर लेटी लाल इमली को ऐसे वादों से शायद संजीवनी मिल जाती है, लेकिन अब शायद लाल इमली ये कहने लगी है कि अब चलाने की कोशिश करना, वादा अब मत करना, क्योंकि वो इतने वादे झेल चुकी है कि अब उसको वादा सुनने की आदत शायद नहीं रह गई है। लगातार उपेक्षा का शिकार हो रही है लाल इमली। कैसे चल सकती है, और हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार उसको वादे मिलते हैं क्योंकि ये दिल है कानपुर का। जैसे जब हमारे प्रधानमंत्री देश के बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, वैसे ही जब भी कोई बड़ा नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर कानपुर आता है तो लाल इमली का बखान या उसका नाम लिए बगैर रह नहीं सकता है, एक वादा छोड़ के ही जाता है। अगर आप जानकारों से बात करेंगे, इसको सुचारू रूप से चलाने की बात करेंगे, 2002 से लगभग बहुत सी कोशिशें हुई, चल रही है, लेकिन कैसे चल रही है, रेंगने की सेमी चल रही है, वो रेंग रही है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन वो प्रयास सफल नहीं है। वादों की मार झेल रही लाल इमली को चलाने के लिए अभी जो जानकार बताते हैं कम से कम 400 करोड़ के फंड की जरूरत है। अभी लाल इमली में कम से कम 200 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं। उनके जिम्मे अभी जो ये बिल्डिंग लाल इमली है वो दिख रही है, उसमें से आधे से ज्यादा रिटायर्ड होने वाले। नई लाल इमली को चलाने के लिए कम से कम 3 से 4 हजार नई भर्तियां करनी पड़ेंगी। सरकार कहां से करेगी, ये आप सोच सकते हैं। मिल को चलाने के लिए मशीनों की जरूरत है। 6 मशीनें स्विट्जरलैंड से आई थी, वैसे की वैसी पैकिंग रखी हुई है खबरों के अनुसार, शायद अब वो खराब भी हो चुकी है। कानपुर का दिल लाल इमली जब चलेगा, फैक्ट्री दौड़ेगी, 3 से 4 हजार लोग उसमें नई भर्तियां होंगी, तो ये तो बात है कि स्वर्णिम अक्षरों से वो दिन लिखा जाएगा। सीसामऊ, ग्वाल टोली, पुराना कानपुर, इधर साइड का जितना एरिया है उसको रोजगार मिलेगा, बुनकरों को रोजगार मिलेगा। और ये वो मिल है जो कानपुर को पूरे देश में, पूरे देश की बात कर रहा हूं, पूरे देश में अपनी उत्कृष्ट शैली के लिए स्थापित करता है। तो अभी भी इंतजार है कि कानपुर का दिल लाल इमली मिल कब चलेगी, देखते हैं। नमस्कार।